फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है दक्ष कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो गई है, मस्त नहा धो के मैं रेडी हो गया हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं स्कूल मस्त करके। मम्मी की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब है, मस्त करके हाँ तबीयत तो ख़राब है। तो चलो फिर अभी तो चलते हैं स्कूल। और आज मेरा म्यूज़िक का प्रैक्टिकल है और आज की तक क्लियर दिख रहा है कैमरा। मैंने आज स्वेटर भी पहनना बंद कर दिया और याला भी पहनना बंद कर दिया। मास्क वाला जरूरत लग रही थी मास्क वाले? नहीं। तो चलो फिर अभी तो मैं चलता हूँ बस करके स्कूल, वहाँ से आके पढ़ लूंगा। रास्ते में दक्ष को ये बिल्ली मिल गई है, एक वहाँ पर भी हो। बताओ क्या करता है मैं इसका, जब सर खुला था ना ये अपना गला भी लाती है कि गले में भी खुला। चलो 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 बस आ जाएगी, चलो लेट हो जाएगा सर, बस बहुत प्यार हो गया। चलो इस साइड को भी खुला हो गया रही हो। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सब कुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर, देखिए चाय गर्मा गर्म चाय बॉयल हो रही है। एक साइड मैंने दूध भी रखा है गर्म करने के लिए। दक्ष को बस में बिठा के मैं आ गई हूँ घर। और आज मेरी ना तबीयत सही नहीं है, मतलब आज वही बुखार जो 2-3 दिन से मैं कह रही थी ना कि मुझे बुखार टाइप का फील हो रहा है करके, वो आज फाइनली कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे तो मैं थोड़ा सा नासार है। तो मैंने सोचा कि आज मैं नहाना जो है स्किप कर दूंगी, क्योंकि बीच में मुझे ऐसे ही हो रहा था कि मैं सोच रही थी कि अगर मुझे बुखार हल्का हल्का आ रहा है तो मुझे एक आध दिन का गैप रख लेना चाहिए, मतलब नहाने का एक एक दिन गैप करके ही मुझे नहाना चाहिए। बट मन जो है ना वो मानता नहीं है अपना, क्या ही करें। खैर फिलहाल अभी तो मैं अपनी चाय बना के चाय पीती हूँ, उसके बाद देखूंगी। बट अभी नहाऊंगी तो नहीं सोच रखा है मैंने, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और मेरा बीमार होना यानी कि घर का बंद हो जाना, घर के सब काम बंद हो जाना, खाना नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा अगर मैं बीमार हो गई तो। इसलिए अपना सही रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट ही करूँगी। मेरी फेस से भी, मेरे फेस से आप लोगों को लग रहा होगा कि आज तबीयत सही नहीं है, आवाज़ से भी लग रहा होगा। पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है ना उसकी वजह से हो रहा है। अदरवाइज़ मैंने आज सोचा था कि मैं आज बाहर जाऊँगी, नर्सरी में भी जाऊँगी, एक आध प्लांट्स वगैरह लेके आऊँगी, क्योंकि फरवरी मार्च में ऐसा होता है बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। बट नहीं हो पाएगा, अभी देखते हैं। फिलहाल तो ऐसी लग रही है हालत। दवाई मैं सो रही हूँ, चाय पी के ना मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, और क्या पता सो के रेस्ट करके और सही हो जाए। बॉडी में पेन हो रहा है, मतलब मेरे नेक में भी पेन हो रहा है, पीठ में भी हो रहा है। तो देखते हैं होता क्या है, अभी पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद का देखेंगे। अगर दवाई की ज़रूरत पड़ेगी तो दवाई खाऊंगी, वरना रेस्ट ही करूँगी। मित्रों सुबह से मैं लेटी थी और अभी करीबन 1 बज गया है, और बाहर ना मौसम भी ऐसा हो रहा है कि बादल लगे हैं, धूप नहीं है, और मेरा फेस देखिए कैसा हो रहा है। मैंने सिर्फ ब्रश किया है, फेस वॉश भी नहीं किया है लाइक पानी से भी। तो मैंने सुबह एक चाय पी थी, 2 बिस्किट खाए थे बस, और अभी कॉफ़ी बनाने के लिए आई थी बट लाइट चली गई, पानी गर्म करने के लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बना के पीती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ दक्ष के लिए। मतलब ना मुझे ऐसा हो रहा है कि बुखार भी नहीं आ रहा है, अंदर ही अंदर बुखार आ रहा है, मतलब बाहर बॉडी में नहीं आ रहा है। और स्वीट क्रीम जो होता है ना, मैंने जो आप लोगों को बताया था बस वही हो रहा है मुझे। तो सुबह सब्जी बनाई थी, उसी के साथ दक्ष के लिए रोटी बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आटा गूंथना है, और वो गूंथनी थोड़ी देर में। पहले एक ब्लैक कॉफ़ी बना के मैं पी लेती हूँ। गैस में गर्म पानी करना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता गैस में गर्म पानी करना, अगर वो है क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक मग है तो, इलेक्ट्रॉनिक जग है तो उसमें गर्म करूँ, पता नहीं दिमाग भी सेंसलेस हो गई। मैं एक सेकंड पहले कॉफ़ी बना लेती हूँ। हाँ जी, तो पानी रख दिया गर्म करने के लिए, और 2 पार्सल आए हैं आज ऑनलाइन, मतलब ये एक्सचेंज वाले पार्सल हैं। एक टी शर्ट है और एक दक्ष की, दक्ष के लिए शर्ट है, मैंने जो मतलब वो कर दिए थे एक्सचेंज करने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि उसको साइज़ छोटा आ रहा था। जब दक्ष आएगा ना मैं तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें क्या मंगाया, क्यों कौन से वाले टी शर्ट और शर्ट थी। दक्ष की पसंद की है टी शर्ट तो इसमें, और शर्ट मेरी पसंद की है तो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। यहाँ पर मैंने देखिए कॉफ़ी में मग में कॉफ़ी और थोड़ा सा चीनी ले ली है, और यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रखा है, तो ये पी लेती हूँ मैं, उसके बाद घर के कामों को करना शुरू करती हूँ। ये लो जी,
जैसे ही मेरी कॉफी बनी, कॉफी बनी है, वैसे ही जो है लाइट भी आ गई है। मैं आराम से अपनी ब्लैक कॉफी इंजॉय करूंगी पूरी तरीके से, मतलब शुगर फ्री नहीं है, थोड़ा सा शुगर मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, शुगर फ्री नहीं पी सकती मैं, ना चाय ना कॉफ़ी कुछ भी, थोड़ा शुगर ऐड करती हूँ। अभी इसको पीती हूँ, शायद गले में थोड़ा सा राहत मिलेगी, क्योंकि गले में भी बहुत दिक्कत हो रही है। फिर आगे के काम की जो कार्यवाही है शुरू की जाएगी। देखिए बाकी सारी चीज़ों से आप भाग सकते हो, आपने नहाया नहीं है, मुँह नहीं धोया है, बट जो घर के काम है उससे आप नहीं भाग सकते। पता नहीं क्यों मेरे लिप्स भी इतने काले लग रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा थोड़ी देर में उठती हूँ बेड से और कपड़े भी चेंज करती हूँ, फेस वॉश भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। नए रूप में आप लोगों को थोड़ी देर के बाद दोबारा से मिलती हूँ। है मेरा काम और थोड़ा सा फेस वॉश कर लिया है मैंने, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं अपने, खाना भी बना दिया है दक्ष के लिए, दक्ष आने वाला है। और आज मैंने एक चीज़ करी, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इतनी तबीयत ख़राब में भी मैंने ये गमले उठा के यहाँ रखे हैं। जो लोग मेरे पहले के ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं गमले यहाँ पर और यहाँ पर रखती थी, ब्लू कलर के रखती थी, फिर मैंने कुछ टाइम के बाद उनको बाहर रख दिया था, बट अभी मैंने फिर से अंदर रख दिया। आप लोग बताना ये कैसे लग रहे हैं यहाँ पर। बट मैं ना कब से सोच रही थी कि मुझे ऐसा करना है करके, बट मैंने कहा अभी जब मैं कर ही रही हूँ काम तो मैं क्यों ना इसको हैंड टू हैंड रख देती हूँ। मेरे बाहर गमले हो गए कम, अगर लाऊंगी इन फ्यूचर एक गमला ले आऊंगी, यहाँ ऊपर जो मेरा गमरा है, गमला है उसको ला के मैं नीचे रख दूंगी। यहाँ पर रखे थे वाले गमले तो मैंने अंदर रख दिया, बहुत कचर पचर हो रहा था वरना, अभी सही हो गया। तो मैंने खाना जो है बना दिया है, बस दक्ष थोड़ी देर में पहुँच जाएगा, 10 मिनट में, फिर जो है खाते हैं खाना। उसके बाद हम लोग आटा भी गूंध दिया मैंने शाम के लिए अभी से, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है तबीयत का। तबीयत तो अभी भी बहुत जो है पेन हो रहा है पैरों में, हो ही रहा है, बट देखते हैं। दक्ष के पार्सल भी खोल के चेक करके देखना है, उसी के सामने ही खोलूंगी मैं, बस वो आ जाए थोड़ी सी देर में। अभी अब मुनु आ गया है, कैसा रहा मुनु आज का दिन? बढ़िया। आओ खाना खा लिया? हाँ। ऐसा क्यों कर रहा है फिर? है बैग ऐसा क्यों पता मुनु? हाँ। मेरी तबीयत खराब है। ओके ट्यूशन जा रहा है, मेरे को प्यार करो। मैं मेरी तबीयत खराब है, मेरे को प्यार करो। चलो मैं ट्यूशन भी जा रहा हूँ, आपको प्यार करते रहूँगा। मैं ट्यूशन नहीं जा रहा हूँ, बल मैं आपको प्यार करते रहूंगा। कैसा गया आज का दिन? मस्त। म्यूजिक का एग्जाम हो गया ना? कब होगा? कल? पता नहीं, बताया नहीं सर ने। एक कॉम्पिटिशन टाइप का होने वाला है ना स्कूल के बाहर, स्कूल के बाहर, उसमें भजन गा है। कल मुझे प्यार करो। ये कैसा प्यार है कि छोड़ दिया सीधे, धक्का मार दिया सीधे। उठ के बताना अच्छे से बैठ के। उठ तो सही। हाँ तो मेरे को याद जाना होगा, तो स्कूल वालों का ही ना, मतलब इस स्कूल का स्टूडेंट जा रहा है अगर ऐसा वाला, तो तुझे क्या करना है? तीन स्टूडेंट जा रहे हैं, एक एक भजन सबको। अच्छा अच्छा, कब है कंपटीशन? परसों। तो भजन दिए सर ने? खुद से करके लाने, कोई से भी, कोई सा भी एक भजन। ठीक है, कोई भजन बताओ। बताती हूँ, आसान है जो। ठीक है ठीक है, बताती हूँ, पहले कपड़े चेंज करो, खाना जी। हिंदी बस। हाँ हाँ हिंदी, आ जाओ। तेरे पार्सल भी आए हैं, दक्ष के दोनों पार्सल। लो उठो, खोल के देखो, जल्दी आओ। वही वाले जो टी शर्ट, वो एक टाइट आ गई थी ना, मैंने मंगाई थी। खोलो बीच में से ऐसे। हाँ बीच में से ऐसे, ऐसे यहाँ से। हाँ इधर से उधर से दोनों तरफ से खींचो ना, ऐसे नहीं ऐसे जो, हाँ ऐसे वाला। चलो बस ऐसे भी नहीं करते हैं, अगर फिर से सही नहीं होगा तो रिटर्न करना पड़ेगा ना। ये शर्ट है एक, मैं सोच रही इसमें लाइनिंग कैसे आ गई। इसमें टी शर्ट होगी जो तुझे पसंद है, स्लीवलेस टी शर्ट। ये शर्ट है, अभी पहन के देखेगा साइज सही आ रही है नहीं आ रही, दिखा तो सही सबको खोल के। एक मिनट, ऐसे नहीं वैसे खुलेगी, सही है ये आगे से। क्या टाइम लगा दिया एक पार्सल खोलने में? दो पार्सल खोलने में आराम से बेटा, दिमाग लगाते हैं हर चीज में, ताकत नहीं लगाते हैं, इतना नहीं पता क्या? ना तो ताकत नहीं। ये स्लीवलेस टी शर्ट, हाँ जो दक्ष को बहुत ज्यादा पसंद थी। आ जाएगी अली, ये बनियान आ गई मेरी, संडो बनियान जैसी थी। चलो कपड़े चेंज करो, चलो फिर। ठंडा नहीं लग रहा? वो पहले सर में पट्टा वाला पट्टा दे दूं, टोपी। ठंडा हो रहा है बेटा, अभी अभी कोहरा आ गया क्योंकि धूप चली गई है बाहर। ये बाहर देख, धूप चली गई, कोहरा आ गया, चप्पल भी उल्टी है। ये बाहर ऐसा हो गया, बादल जैसे लग गए।
वगैरह कहाँ आया है कोहरा? आजा कोहरा, हाँ आजा। कल आ गई चप्पल हाथ में उठा के लाने की, पता क्यों? हाँ गीले हो रहे थे, अभी तो कल धोए थे तो थोड़ा साफ ही दिख रहा है। चलो बाय। खेलने चले गया था फिर, मतलब खेलने गए थे, मतलब म्यूजिक सर आ गए थे उसके बाद, फिर आते तो होगी ना, बोलिए म्यूजिक सर आए थे उसके, फिर अभी मम्मी यहाँ पर मेरे को खाना मेरे खिला रही हैं, और मैंने अपनी पढ़ाई म्यूजिक की प्रैक्टिस सब कर दिया। आज मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करी, कभी मेरे आपके मेरी आपको आवाज़ ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, पतली प्रैक्टिस। देखो फिर अभी तो मैं वहां पर मस्त करके खाना खा रहा हूँ और साथ में फोन भी चला रहा हूँ, और कल मेरे म्यूजिक का प्रैक्टिकल भी है। आज नहीं हुआ ना? कल मेरे म्यूजिक का और एग्जाम है, तो सर कहते सर पूछेंगे, और बाकी मेरे को एक स्कूल में, मतलब सर ने मेरे को भजन टाइप के में भी ले रखा है अभी, कहते स्कूल में जो म्यूजिक वाले सर हैं उन्होंने मेरे को एक भजन टाइप के में भी ले रखा है, मतलब उसमें भजन गाने कंपटीशन टाइप का है, स्कूल के बाहर है तो उसमें मेरे को भजन गाना है, तो उसके लिए भी मैंने तैयारी कर लिया। बता दूँ कौन सा भजन गा रहा हूँ? चलो फिर, तो मैं गा रहा हूँ यशोमती मैया से बोले नंदलाला, मस्त लगा तो मैंने वही गा दी, वो कहते मैंने कहते हैं वही बोल दिया, तो चलो फिर हाँ उसी का रियाज कर लिया, और वो भी बोल दिया उनसे, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, ऐसे करके मेरी आवाज कितनी मस्त लग रही है रियाज ज्यादा करने के बाद, है ना? ले अब खाना खा ले पहले, बाद में बनाना व्लॉग। तो चलो फिर, खिला दिया है मैंने दक्ष को खाना, मतलब एक रोटी बची है वो खुद ही खा लेगा, क्योंकि वो अभी तक मोबाइल में से थोड़ा सा वो लगा के तानपुरा लगा के रियाज कर रहा था ना, तो मैं ही उसको खिला रही थी, और मैंने तो अपना खाना खा लिया है। सुबह के लिए मैंने यहाँ पर जो है भिंडी काट के रखी है, तो सुबह बनेगी भिंडी की सब्जी टिफिन में, और बस यही है अभी तो। और अच्छा हाँ एक चीज, पता नहीं एक पर्सन कौन है ऐसा जो बहुत ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में हमेशा एक ही कमेंट करते हैं कि आप अपना टीथ लगा लो, अपना टीथ लगा लो, आगे से अपने टीथ का कैप लगा लो, इसको बराबर करवा लो, ये करा लो, वो करा लो, दांत के पीछे ही पड़े रहते हैं। मतलब यार मैं कराऊँ, चलो ठीक है मैं करा लूँगी, काम करना ना एक पार्ट, एक वो कर देना, ड्राफ्ट कर देना मेरे अकाउंट में, ठीक है पैसे ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है तब मैं करवाऊँगी। आपको पता है इसका प्रोसेस और कैसा है? अगर हम टेम्परेली वाला लगाते हैं तो वो सस्ते में लग जाता है, बट ना वो निकल जाएगा फिर कुछ समय बाद। अगर हमें परमानेंट वाला और अच्छे से कराना है तो इसका ट्रीटमेंट ना, तो इसका ना बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है और कॉस्टली भी होता है। जिसको मेरे दांत से प्रॉब्लम है पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, मैं दांत लगवा लूँगी, अदरवाइज ऐसे कमेंट ना करिए, क्योंकि अगर एक कमेंट आता है ना प्रॉब्लम नहीं होती, दूसरा आता है तो भी करो, बहुत सारे लोग बोलने लग जाते हैं ना तो फिर अजीब सा लगने लग जाता है कि कोई दूसरे की ये तो समझता नहीं है कि हाँ भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है करके बोलने लग जाते हैं। खैर मैं जोक सपाट कर रही हूँ पैसों वाली बात, बट रियली मैसेज कमेंट आता है ऐसा बार 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 बार, तो मैं ना ये बस ये बताने के लिए बोल रही थी कि जल्दी मैं इसको करवाऊंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ इस दांत का नहीं करवाना है, मुझे अंदर भी दांत में इधर मेरे प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे मुझे प्रॉब्लम भी है, तो उसका ट्रीटमेंट करवाना है, तो थोड़ा सा समय रुक के थोड़ा सा अपना सिचुएशन देख के अपना काम देख के उसके बाद मैं इसको ज़रूर करवाऊंगी, ठीक है ना? तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है ना मेरे दांत की, तो वो लोग फिक्र ना करें, मैं बता देती हूँ। मुझे खाना पीना तो हम लोगों ने खा लिया था, और अभी टाइम है चॉकलेट खाने का, तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड कर दें। तो अब हम खाएंगे चॉकलेट अपने डेयरी मिल्क सिल्क और ब्लॉग को करेंगे एंड। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, डिसलाइक मत कीजिएगा, अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल नए अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।